अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड फाइव बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर वन अबाउट मैप्स और आज हमने पढ़ना है हाउ टू स्टडी अ मैप तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू स्टडी अ मैप तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की वी यूज कार्डिनल डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट यानी कि किसी भी मैप को स्टडी करने के लिए हम डायरेक्शन यूज करते हैं और जो मेन डायरेक्शन होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इनको हम कहते हैं कार्डनल डायरेक्शन और इसके अलावा हम कुछ और डायरेक्शंस भी यूज करते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट तो इनको हम कहते हैं इंटर कार्डिनल डायरेक्शन तो हमने किन दो डायरेक्शन की बात की है हमने बात की है कार्डिनल डायरेक्शन की जो कि होती है मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और उसके बाद हमने बात की है कार्डिनल डायरेक्शन की जो के होती है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी के जो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में होती है उनको हम कहते हैं इंटरकार्डिनल डायरेक्शन अब हम बात कर लेते हैं ग्रिड्स की सो ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड ग्रिड क्या होता है ग्रिड इज अ फ्रेमवर्क ऑफ लाइन्स होल एंड वर्टिकल जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सो ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड

इस बात का मतलब है कि कराची इज लोकेटेड एट 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर आपको पता है लाइन क्रॉसिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन प्राइम मेरेडियन पर भी हमने बात की थी तो अगर आपने मैप पर कोई लोकेशन तलाश करनी है तो उसके लिए आप ढूंढते हो उसका ग्रिड रेफरेंस तो फिर आपको एग्जैक्टली exactly पता लगता है कि मैप पर वो जगह किधर है क्योंकि आप पूरे मैप को अगर ढूंढना शुरू कर दोगे तो कोई भी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए उसका ग्रेड रेफरेंस दिया जाता है आपको बताया जाता है कि वो लोकेशन जो आप ढूंढ रहे हो वो मैप पर एग्जैक्टली किस जगह है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन तो एक की हमें क्या बताती है ये हमें बताती है कि मैप पर जो सिंबल्स बने हुए होते हैं और जो डिफरेंट कलर्स शोन होते हैं वो हमें क्या बताते हैं जैसे देखो बच्चों, फॉर एन एग्जांपल एक मैप है जिसपे हमें लैंड और रिवर शोन है ठीक है और लैंड के लिए ब्राउन कलर यूज हुआ हुआ है और रिवर के लिए ब्लू तो साइड पर एक जगह पे लिखा हुआ होगा कि जो ब्राउन कलर है वो लैंड के लिए है और जो ब्लू कलर है वो रिवर सीज या वॉटर को शो करता है तो दैट इज की वो आपको समझा रहा है कि मैप पे जो कलर्स यूज हुए हैं वो क्या सिंबलाइज़ करते हैं वो आपको क्या बता रहे हैं तो ये हमें पता लगता है किसी की के थ्रू नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केल कि स्केल क्या होता है इट टेल्स हाउ बिग द एरिया एक्चुअली इज यानी कि हमें ये ये बताता है कि मैप पर अगर कोई एरिया शोन है तो वो एग्जेक्टली exactly कितना बड़ा है फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप मे रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन अर्थ अब एक मैप एक पेपर पर बना हुआ होता है अगर कोई लंबी सड़क है तो आप पूरी की पूरी सड़क तो उठा के मैप पर नहीं ला सकते दिस इज वेरी ऑबवियस तो उसके लिए क्या होता है कि लाइंस ड्रा की जाती हैं और एक स्केल दिया जाता है तो अगर एक लाइन ड्रा की गई है जो कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर है तो फिर उसका मतलब ये होगा कि इट इज वन किलोमीटर ऑन अर्थ यानी कि वन सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू वन किलोमीटर ऑफ अर्थ उसके बाद हम बात कर लेते हैं कम्पस रोज की मैप्स आल्सो हैव अ रोज और एन एरो विद नॉर्थ एट द टॉप आपने अक्सर देखा होगा कि एक कंपस सा बना हुआ होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन गिवन होती है हमने पहले पढ़ा ये कौन सी डायरेक्शन है राइट कार्डिनल डायरेक्शन तो कंपस रोज एक कंपस बना हुआ होता है मैप के किसी एक कोने में जिससे आपको पता लगता है कि मैप की नॉर्थ साउथ कौन सी है साउथ कौन सी ईस्ट कौन सी और वेस्ट कौन सी सो मैप्स आल्सो हैव अ मैप रोज और एन एरो या फिर एक एरो बना हुआ होता है मार्क विद एन एट द टॉप और एन क्या शो करता है इट शोज नॉट. द कंपस रोज शोज द जनरल डायरेक्शन हमें जनरल डायरेक्शन के बारे में बताता है एंड द एरो टेल्स नॉर्थ इज हमने पहले भी बात की कि एरो हमें क्या बताता है वो हमें बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है अब आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डिड यू नो सो दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक कम्पस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दानी मैग्नेटिकायते हो वो सबसे पहले कहा इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक में नहीं गिवन बट आई वॉन्ट नो की जो मैप्स बनाते हैं जो मैप्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं कार्टोग्राफर सी ए आर टी ओ जी आर ए पी एच ई आर एटलस, यानी कि एटलस को कैसे यूज करते हो पर पहले बात कर लेते हैं कि एटलस होता क्या है बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, सो व्हाट इज एन एटलस इट इज अ बुक ऑफ मैप्स यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें डिफरेंट मैप्स बने हुए होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के मैप्स बने हुए होते हैं या कुछ मैप्स में ये शोन होता है कि कहाँ पे कितना एरिया लैंड है कितना एरिया वॉटर है या किस मुल्क में कहा कितनी फैक्ट्रीज हैं ये सब कुछ शोन होता है डिफरेंट मैप्स में तो अगर एक बुक है जिसमें डिफरेंट मैप्स हैं तो वो बुक कहलाती है एटलस एवरी एटलस हैज एन इंडेक्स एट द बैक अब हर एटलस की बैक पे एक इंडेक्स होता है यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें होते हैं different countries के cities के शहरों के माउंटेन रिवर्स एक्सेट्रा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है यानी कि आप ये देखते हो कि किसका नाम ए से है फिर पहले उसका नाम आएगा फिर जो बी से है सी से है यानि ए बी सी के अकॉर्डिंगली अगर हम किसी लिस्ट को देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है तो वॉट इज एन इंडेक्स इट इज लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज सिटीज माउंटेन्स रिवर्स एक्सेट्रा इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर नेक्स्ट टू द नेम द इंडेक्स गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अब नामों के आगे लिखे हुए होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इस बात का क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन गिवन होती है या आपको उसने बताया हुआ होता है कि ये जो है, ये जो कंट्री है मैप पर इस जगह आपको मिलेगी यानी कि इतने लॉन्गिट्यूड पे इतने लैटिट्यूड पे इस एग्जैक्ट डायरेक्शन पे हमने पहले भी बात की थी कि ग्रिड की मदद से आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली कोई कंट्री किस जगह पर है वो जो लाइंस ड्रॉन होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं तो उनकी मदद से हमें पता लगता है कि कोई भी लोकेशन एग्जैक्टली exactly किस जगह पर है तो एटलस एंड पे वो आपको ये बताता है फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने पाकिस्तान को तलाश करना है पूरे वर्ल्ड मैप में तो पाकिस्तान के आगे लिखा हुआ होगा कि ये आपको मैप में कंट्री किस जगह मिलेगी तो उसको हम कहते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से बताया गया है कि वो लोकेशन जो हमने मैप में ढूंढनी है वो एग्जेक्टली exactly किस जगह पर है सो द इंडेक्स हमें क्या बताता है इसके अलावा वो हमें वो पेज नंबर भी बताता है जहां पे वो मैप गिवन हो जिसमें हम एग्जैक्टली exactly कोई लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो जो कंट्री आप ढूंढ रहे हो या whatever you are finding, अगर वो उन maps में given है, तो फिर इंडेक्स में आपको ये चीज बताई जाती है तो ऑल टूगेदर एक इंडेक्स में हमें क्या क्या बताया जाता है इट इज बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें में, में चीजें लिखी हुई होती हैं। देन नेक्स्ट टू द नेम द इंडेक्स गिव कोऑर्डिनेट्स इसके अलावा इंडेक्स हमें क्या बताता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड इट आल्सो टेल्स अस द पेज नंबर पे हम वो फीचर तलाश कर रहे होते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन और वर्क पेज तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह